रांची के रातू थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ के नोवानगर में महिला पत्रकार संध्या रानी ने गुरुवार को खुद को गोली मार ली। गोली उसकी छाती में लगी है और वह 4 माह की गर्भवती भी है। उसे गंभीर हालत में रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गोली निकाल दी है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है। संध्या ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने ससुर के लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी है। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जांच कराई तो 4 हथियार के साथ 2 दर्जन से अधिक गोलियां मिली है। इसमें 2 पिस्टल, 1 राइफल व 1 एयरगन शामिल है। हालांकि पुलिस को पिस्टल का ही लाइसेंस मिला है। घटना के बाद FSR टीम मौके पर पहुंची और कई सामान जांच के लिए अपने साथ ले गई। महिला के पिता ने दामाद पर लगाया आरोप। संध्या के पिता ने आरोप लगाया है कि बेटी का पति शराब पीकर अक्सर मारपीट करता रहता था। आज भी संध्या जब अपनी माँ से बात कर रही थी, उस समय जयंत फिर झगड़ा करने लगा। फिर अचानक संध्या बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। इसके बाद संध्या की माँ ने फोन काट कर मुझे जानकारी दी। जब हम उसके घर पहुँचे तो पता चला कि उसे गोली लगी है। गया की 6 माह पहले विवाह हुआ है। तभी से पति जयंत सिंह से विवाद चल रहा था। पति के शराब पीने की वजह से संध्या व जयंत के बीच झगड़ा हुआ करता था। गुरुवार को भी विवाद हुआ। इसके बाद संध्या ने रिवाल्वर से 3 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें से 1 गोली उसकी छाती में जा लगी। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं। संध्या का मायका हरमू के चाकुटोली में है। 20 दिन पहले ही उसने नोवानगर स्थित अपने नए घर में प्रवेश किया है। सीमा क्राइम में हम लोग गए हैं, देखे हैं। वहाँ 2-3 चीज है जो सस्पेक्ट है, जैसे जो है वहाँ 2-3 गोलियाँ चली और अभी कॉन्शियस में है ये, और हमको लगता है कि ठीक ठाक है और भगवान की कृपा अच्छी हो जाएंगी। तो मेनली इनका बयान ही काम करेगा कि ये क्या बोलेंगी, लेकिन इनका साथी का 7 महीना हुआ था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।